तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज है 5 जनवरी और तो हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर तो पूरा जनवरी ही है ना, 2024 आ गया तो न्यू ईयर ही है। तो आप लोग को मेरा 1 जनवरी वाला ब्लॉग कैसा लगा है ना? तो आज एक ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, मतलब बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। 1 जनवरी में जनवरी जैसा लगा नहीं, तो आज मैं जा रही हूँ पकौड़ी बनाने के लिए। तभी चलते हैं दुकान, बेसन और बेसन लाएंगे पकौड़ी के लिए, एंड कुछ अगले दिन बनाएंगे 12 रोटी। ठीक है, 12 रोटी नहीं बनाएंगे, चना दाल का रोटी बनाएंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं दुकान, इन दोनों लाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं लोगों से। अभी यहाँ पे मेरा चूल्हा जल रहा है, चूल्हा जला चुकी हूँ। अभी पूरा जल जाएगा, उसके बाद इसको ठाव देंगे, उसके बाद अभी चलते हैं दुकान। ₹90 किलो, आधा किलो दे दे। दुकान से आ गई हूँ और यहाँ पे है चना दाल है और मिर्चा की नहीं हूँ और बेसन की नहीं हूँ। तो फिलहाल अभी बेसन का पकौड़ी बनाते हैं, इसका कभी और बनाएंगे इसका रोटी। तो अभी सब चलिए तैयारी करते हैं पकौड़ी पकाने का। यहाँ पे मेरा चूल्हा जल चुका है एंड अभी तैयारी करते हैं पकौड़ी बनाने का। हाँ, मेरा तेल का कढ़ाई, इसमें तेल नहीं है तो इसमें तेल डालते हैं। और यहाँ पर से मेरा टीना, तो टीना से कढ़ाई में डालना पड़ेगा तेल, तो चलिए डालते हैं तेल। यहाँ पे मेरा तेल निकल नहीं रहा था क्योंकि जम चुका है, तो अभी चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं इसको, तेल पी लेगा उसके बाद निकलेगा। बेसन ले चुकी हूँ और यहाँ पे ही बैगन, इसको हम लोग बोलते हैं बैगनी, तो अभी हम लोग बैगनी पकाएंगे। तो यहाँ पे डालते हैं धो के। तो यहाँ पे धो के डाल रही हूँ, इसको हम लोग बैगनी बोलते हैं। आप लोग कौन कौन बैगनी पकाते हो बताइए। तो इसको यहाँ पे प्याज भी डालते हैं एंड सानते हैं। प्याज और मिर्चा तो काट चुके हैं एंड अभी नमक और हल्दी डालते हैं। तो यहाँ पे नमक और हल्दी डाल चुकी हूँ, तो अभी इसको यहाँ पे सानते हैं। बहुत ज्यादा बेसन हो गया शायद। तो यहाँ पे मैं सान ली, अब यहाँ पे छानते हैं। तो चलिए छानते हैं। यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका है और यहाँ पे है बेसन एंड बैगन है, तभी यहाँ पे छानते हैं बैगनी। हम लोग बैगनी बोलते हैं, बैगन के साथ अगर हम लोग पकौड़ी पकाते हैं तो इसको हम लोग बैगनी बोलते हैं। तो यहाँ पे गर्म हो चुका है तो डालते हैं एग्जाम्पल। अरे मेरे जान, मैं हूँ तेरी जान, ज्यादा पतला हो गया क्या यार? पहले इतने ही सब छान देते हैं, लगता है पतला हो गया। तो देखिए यहाँ पे मेरा फूल चुका है धूसका जैसा, मस्त है ना?
इसको छानते हैं। हो गया ये, तो यहाँ पे मेरा बैंगनी बन चुका है, तो यहाँ पे इतना बेसन बच चुका है। तो यहाँ पे मैं आलू काटी हूँ और इसको धो के भी डालती हूँ। तो अभी इसको पकौड़ी बनाएंगे। तो यहाँ मैं सान चुकी हूँ पकौड़ी, मतलब आलू और बेसन, और अभी यहाँ पे डालते हैं। पे गर्म हो चुका है, ज्यादा गर्म हो गया। ये रहा मेरा पकौड़ी, हमारा पकौड़ी, आप सभी लोगों का पकौड़ी। एंड यहाँ पे तो बन रहा है, पतला हो गया था तो यहाँ पे बेसन और डाली, नहीं तो और टेस्टी बनता हमारा बैंगनी। तो यहाँ पे भी मैं छान रही हूँ, तभी ये अभी हुआ नहीं है। तो हाँ, तो आज हम लोग करेंगे, यहाँ पे हमारा पकौड़ी बन चुका है लास्ट, अब खत्म हो चुका है, नीचे नहीं है बेसन। यहाँ पे तला हुआ है, यहाँ पे ताल रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है पकौड़ी। पापा कब तक आएंगे मिर्चा लेके? मिर्चा के बिना मुझे खिलाया नहीं जाएगा। जागे लिया बेचारा। यहाँ पे मेरा पकौड़ी बन चुका है और सारा चीज खत्म हो गया था, अब इसको उतारते हैं। तो ये है हमारा बैंगनी, इस तरह से बैंगनी होता है, क्योंकि बेसन पतला हो गया तो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं बना, फिर भी टेस्टी है। इन पकौड़ी हमारा गर्मा गर्म है, तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो ये हमें टेस्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, बट हल्का सा नमक नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छा ही है। एंड पापा कब तक आएंगे मिर्चा के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, बस आप लोग को टेस्ट करके दिखा रही हूँ। पूरा क्रिंजी है,
मजा आया खाने में। तभी पापा आते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। ना मिर्चा के साथ खाते हैं या पता नहीं आएंगे कि नहीं, बट मिर्चा है इसमें, रेड वाला मिर्चा है। तो खाली में पकौड़ी। एंड आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। एंड आप लोग को भी पकौड़ी खिलाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, तो मैं भी खाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे आप लोगों से मिलती हूँ। आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ, तो बाय बाय। एक नेक्स्ट ब्लॉग में मैं 12 रोटी पकाऊंगी, मतलब चना दाल का मतलब बनाऊंगी, वो है ना धुसका टाइप, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने ही, तो बाय बाय।